अम्मा की कमीज के ऊपर से पता है उतारे थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज आज हम न्यू वीडियो बनाने लगे हैं इन नेल्स की, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये नेल्स आपने किस तरह से बनानी है, मैंने किस तरह से बनाया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं अपने नेल कट कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा है। सो गाइज आज हम बहुत ही मज़ेदार नेल्स वीडियो बनाने वाले हैं। ये वाला जो जेल है वो मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी पॉली जेल निकाल लेनी है। उसके बाद आपने अपने नेल के साइज का नेल चूज कर लेना है। ये बेस कोट है जिसकी वजह से आपके नेल स्टिक करते हैं, और मैं एक सिर्फ हल्का सा इसको अपने अप्लाई करना है। उसके बाद ये स्लिप सॉल्यूशन है जिसकी मदद से हम नेल की शेप जो है क्रिएट करते हैं। आप जिस तरह की भी शेप बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप उस तरह से इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और पतला नेल रखना चाहते हैं तो बिल्कुल पतली पतली लेयर रखें, अगर मोटा रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा मोटा रख ले। मैं आप लोगों को पतला ही सजेस्ट करूँगी, मोटा रखेंगे तो वो नेल के ऊपर पता नहीं हैवी सा फील होता है। पहले मैंने जितने भी बनाया वो मोटे मोटे बनाती रही, आज मैं फ़र्स्ट टाइम बारीक से नेल्स ट्राई कर रही हूँ। उसके बाद आप ये चुटकी लगा देंगे, मेरी चुटकी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चुटकी लगाने के बाद आप जो नेल की जो नीचे वाली साइड होती है उसको लास्ट में सेट करें, क्योंकि इससे जो है ना आपकी स्किन के साथ वो चिपकती नहीं है पॉली जेल, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड नेल को फाइल कर रही हूँ, ठीक है। साथ साथ ही तहजीब मेरी जरा यूवी लाइट पता नहीं कहाँ रख दी गई है, वो ढूंढने के लिए गई है। और ये बस साइज़ चेक कर रही हूँ अपने नेल का, अगर साइज़ सही है तो जी फिट हो गया काम, अगर साइज़ आपने गलत चूज़ कर लिया तो फिर ख़त्म समझो, खलास, ख़राब नेल बनेगा आपका। तो सेम ही प्रोसीजर है, उसी तरह से आपने पाँचों अपनी उंगलियों के साथ सेम साइज़ के अपने नेल्स की शेप देखते हुए बनाते चले जाना है। एक ही दफ़ा बना के रख रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो साथ साथ लगाते जाएं, जैसे आपको इसी लगे वैसे करते जाएं। सो गाइज़ आप लोगों में से बहुत लोग पूछते हैं कि यूवी लाइट के बगैर, तो यार यूवी लाइट के बगैर ना यकीन करो नहीं बनते हैं। मैंने भी जब पहली दफ़ा नेल मंगवाए थे ना तो मैं भी यही समझी थी कि मैं ऐसे ही इसको ट्राई कर लूँगी, मुझे ना इतनी महंगी जो है ना दोबारा ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बड़ी ट्राइयाँ की, फ्रिज के अंदर रखा, पता नहीं कहाँ कहाँ रखा, लेकिन नहीं, जो चीज़ उसको ज़रूरत है सो है। यूवी लाइट आपको ज़रूर आपके पास होनी चाहिए अगर आप पॉली जेल नेल्स बना रहे हैं तो। और अगर मेरी वीडियो के टाइटल की बात की जाए कि मैंने लिखा हुआ है विदाउट यूवी लाइट, तो गाइस उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। मैं ये बात कोई 36 दफ़ा शायद कर चुकी हूँ अपने चैनल पे कि आगे क्वेश्चन मार्क है गाइस, देखा करो। और आप लोग देखिएगा यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही रखा है तो बाहर निकले, तो आपने ये चीज़ बहुत ज़रा ध्यान रखना है, स्लिप सोल्यूशन के साथ इसको साफ़ कर लें और बिल्कुल परफेक्ट आपका जो है ना नेल तैयार हो जाएगा। ये मेरी अपना म्यूज़िक है जो कि मुझे अच्छा लगता है। अच्छा खैर गाइस, हमारे पॉली जेल नेल्स जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर करनी है डिज़ाइनिंग, ठीक है। डिज़ाइनिंग से पहले हम क्या करेंगे, इनको करेंगे रिमूव, ठीक है। देखते हैं हमारा ये अच्छे से बड़ा है नेल के लिए, इसको भी शेप देनी पड़ेगी हमें। मैंने बिल्कुल लाइट वेट नेल रखे हैं, लाइट वेट हल्के पतले तके लगाए हुए, हैवी फील ना हो कि पता ना चले कि भाई नेल्स लगे हुए हैं, हूँ इन्ने भी पतले ना होन कि भाई टूटी जान। देख लिया खैर क्या होता है, ये मुझे लग रहा था टूट जाएगा बट नहीं, ये वाला ये भी नहीं। आज मुझे लग रहा है मैंने ना कुछ अच्छे, मतलब ये वाला थोड़ा सा मोटा हो गया यहाँ से, लेकिन इसको हम अभी करेंगे क्या करेंगे फाइल, ठीक है। फाइल मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्पीड में सेपरेट होके कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप अपनी नेल्स को प्रॉपर शेप दे लेनी है, काट लें इसके साथ, ठीक है, नेल कटर के साथ। ये वाले जो एक्स्ट्रा लगे होते हैं इनको आपने रिमूव कर लेना और एक जैसा सारा कर लेना, ठीक है। तो गाइस आज जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे ना वो मैंने अपनी अम्मा की कमीज़ के ऊपर से पता है उतारे हैं तहजीब, ये स्टोन्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं उनकी कमीज़ के ऊपर से ना, ये मैंने ना उनकी कमीज़ के ऊपर से उतारे हैं, ये आप लोगों के साथ फैशन करने के लिए ना, वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास है नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें लेनी है यार, लेकिन उससे ना मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा शॉप करने का भाई की शादी की वजह से। तो दिल कर रहा था आज ऐसे ही नेल्स बनाने का, तो इनको मैं अब इक्वल शेप दे लूँ,
ठीक है, इक्वल शेप देने के बाद मैं आप लोगों से फिर बाद में बात करती हूँ। सो गाइज, मेरे नेल्स डन हो चुके हैं, तो मैं ये वाला नेल पेंट यूज़ करूँगी। ठीक है, शेड का मुझे नहीं पता, इसका कोई नंबर शंबर मुझे नहीं पता, ये मैंने ऐसे ही रैंडम शॉप से ली थी, तो मैं पहले नेल पेंट लगा लूँ, ठीक है, उसके बाद आप लोगों से गुजारा शुरू करते हैं। नेल पेंट मैं ऐसे मुझे समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं कह रही थी सुकून से लगा के फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ठीक है, ऐसे नॉर्मली पेंट जिस तरह से लगाते हैं ना, वैसे पेंट कर रही हूँ। तो गाइस, मेरे जो नेल्स हैं वो मैंने पेंट कर लिया, ठीक है। अब इनके ऊपर स्टोन लगाएंगे और ड्रा करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। दो पे स्टोन लगाएंगे, दो पे कुछ ना कुछ ड्रा करेंगे। वी आर यूजिंग देयर बेस कार्ड, ठीक है, ब्रश के साथ। जहाँ पे आपने स्टोन लगा रहे हैं ना, वहाँ पे ऐसे लाइन लगा दे रही है। लेंगे हम यूँ रखेंगे, फिर इसको ऐसे पिक करेंगे और होए यूँ रखेंगे, लगा देंगे करके। अब हम अपना इसको ना यूवी लाइट के अंदर ड्राई करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने बेस कोट लगाया है, अब यहाँ पे इसको अप्लाई करके लाइट में रखेंगे। ब्लैक नहीं चाहिए था, वाइट नहीं है वो भी। स्टोन को ड्राई होने के लिए यूवी लाइट में रखेंगे। सो गाइस, आप किसी भी चीज़ के ऊपर ना ये ले लोगे नेल पेंट, ठीक है, मैं इसी के ऊपर ले लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ख़राब सा है, टेबल पे ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। सो गाइस, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को नेल्स, ठीक है, इनको अब हम करेंगे ड्राई। तो गाइस, आप लोगों को मेरे नेल्स कैसे लगे हैं? मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाले, क्योंकि मेरे फर्स्ट टाइम स्टोन नेल्स ट्राई किए हैं, और मैं बहुत अच्छे से सोची थी कि मैं स्टोन्स लूँगी, फिर ब्रशेस लूँगी, देन वीडियो बनाऊँगी, पर मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा उसको बाय करने का, ऑर्डर करने का, भाई की शादी हुई से और दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो मैंने बना लिया। मुझे सांस चढ़ा क्योंकि मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा भी शेयर करिएगा अपनी किसी अच्छी सी कज़न के साथ या फ्रेंड के साथ जो जिसको नील पसंद हो, और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे सांस चढ़ा हुआ इसलिए जल्दी बोल रही हूँ, बाय बाय। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. Hey.